भारतीय रेल की उपलब्धियों में आज एक और पन्ना जुड़ गया है, जब दिल्ली के सराय रोहिला स्टेशन से डबल डेकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया गया। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और दिल्ली से जयपुर का रास्ता 4.5 घंटे में पूरा करेगी। इस ट्रेन के डिब्बे कपूरथला कोट फैक्ट्री में तैयार किए गए हैं। कोच में सेंट्रलाइज्ड एसी की सुविधा और विशेष कांच की खिड़कियां हैं। कोच का दरवाजा प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सटा होगा, जिससे उतरने चढ़ने में सुविधा मिलेगी। नहीं, ये ट्रेन तो बहुत अच्छा है और सीट भी बहुत अच्छी है, सब मुझे बहुत पसंद आया। पहली बार जैसे आए हैं, सब अच्छा लग रहा है। हवाई जहाज की तर्ज पर इसमें शौचालय है, जो CDTA तकनीक पर आधारित है। कोच में ही मिनी पैंट्री कार का सुविधा उपलब्ध है, जो लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने में मदद करेगी। कोच में स्वचालित गेट लगाए गए हैं। इसका किराया ₹344 तय किया गया है। जयपुर के लिए हमें बहुत एंजॉय हुआ, ये ट्रेन में लॉन्ग अवेटेड था जयपुर से दिल्ली के लिए। इट इज़ प्रेस्टिजियस ट्रेन, इट इज़ वेरी गुड ट्रेन है और इसमें डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल सीटिंग है और क्वाइट कैपेसिटी है। और अभी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि आप जिस दिन रिजर्वेशन कराओ लास्ट उसी दिन आपकी आपको रिजर्वेशन मिल जाती है। और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, डिज़ाइन सब अच्छा है, एसी इसका बहुत अच्छा है, गाड़ी का चलने का बैलेंसिंग भी बहुत अच्छा है। दिस ट्रेन इज बहुत अच्छी है, प्रेस्टिजियस ट्रेन है। वी आर वेरी 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 जयपुरियंस आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ट्रेन। एक्चुअली रोजाना शाम के 5:30 में दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से रवाना होकर यह ट्रेन 10:05 में जयपुर पहुंचेगी। वहीं जयपुर से सुबह 6 बजे यह ट्रेन रवाना होकर दिल्ली सराय रोहिला 10:30 पहुंचेगी। बीच में 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, जिसमें दिल्ली कैंट, गुड़गांव और गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। ट्रेन तो बहुत अच्छी है और इंडियन रेलवे को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा इसके लिए कि इस टाइप की सुविधाओं को उसने इम्प्रूव करने का सोचा। और इस ट्रेन की सबसे खास बात मुझे लगी वो है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है। जहाँ आम ट्रेनें पहले थी वो 1 फ्लोर में चलती थी, उसी सेम स्पेस में ही उसने 2 फ्लोर बनाए और बेटर सीटिंग अरेंजमेंट है इसका अच्छा। वो आगे देखिए तो सफ़र शुरू हो रहा है। भारतीय रेल की इस नई पहल से आम आदमी की यात्रा को एक नया मोड मिला है। इसके लिए हम भारतीय रेलवे को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। पर्यटन स्थलों तक जाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई अलग अलग ट्रेनों की सुविधा मुहैया कराई है, जिनमें से एक पैलेस ऑन व्हील जो कि हमारी शान है। दिल्ली से जयपुर के बीच डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। अब देखना यही है कि विदेशी पर्यटकों और भारतीय यात्रियों को कितना लुभा पाती है। मैं निकुंज, कैमरामैन सिद्धार्थ बहल के साथ WLCI इंडिया।